सुप्रभात गुरुकुल के ऑनलाइन कक्षाओं में सुबह की ताजगी भरी हवा की तरह आप सबों के परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास हो, इसी मंगल कामना के साथ कक्षाओं की शुरुआत करने जा रहा हूं। प्यारे छात्रगण, स्वतंत्रता संग्राम महात्मा गांधी का योगदान टॉपिक हम लोगों की चल रही है, बहुत ही नजदीक है अंतिम पायदान जिसे कहा जाता है, वहां पर हम लोग छात्रगण पहुंच चुके हैं और आज इसी दिशा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। छात्रगण, विगत कक्षाओं में आपने कैबिनेट मिशन योजना पढ़ा और जाना कि किस प्रकार से 24 मार्च 1946 को 3 सदस्यों से युक्त कैबिनेट मिशन भारत आया था और भारतीय संविधान के निर्माण में कैबिनेट मिशन योजना की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। आज हेडिंग बनेगा छात्रगण, अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन, का गठन लिखिए। 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया, किया गया, जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई, प्रारंभ में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। नेक्स्ट, 26 अक्टूबर 1946 को, 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए, अंतरिम सरकार में शामिल हुए, हुए। नेक्स्ट, तीर्थ निशान, अंतरिम सरकार में अध्यक्ष या प्रमुख का पद, अध्यक्ष या प्रमुख का पद वायसराय लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड वेवेल के पास था, लॉर्ड वेवेल के पास था, पास था। नेक्स्ट, तीर्थंकर था। तीर्थंकर अंतिम सरकार में उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौमा विदेश मंत्री तथा राष्ट्रमंडल विभाग के प्रमुख, राष्ट्रमंडल विभाग के प्रमुख, प्रमुख जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे, जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे, थे, थे। जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। नेक्स्ट, टिप्पणी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को,
गृह मंत्री तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया था। बनाया गया था। नेक्स्ट, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बनाए गए थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बनाए गए थे गए थे। नेक्स्ट, जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनाए गए थे। नेक्स्ट, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट, सी एच भाभा को कार्य खनन विभाग का मंत्री बनाया गया। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया। नेक्स्ट, आसफ अली को रेलवे मंत्री बनाया गया। नेक्स्ट, जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया। ये सभी कांग्रेस के मंत्री थे छात्रगण। अब लिखेंगे मुस्लिम लीग के मंत्री। हेडिंग बनाएंगे अपने नोट्स कॉपी में, लाल कलम या हरा कलम से, बहुत इंपॉर्टेंट। मुस्लिम लीग के मंत्री लीग के मंत्री मंत्री मंत्री
लिखिए। नंबर एक, लियाकत अली खान, लियाकत अली खान। डज दक लिखेंगे, इन्हें वित्त मंत्री, वित्त मंत्री बनाया गया, वित्त मंत्री बनाया गया। नेक्स्ट, जोगेंद्र नाथ मंडल, जोगेंद्र नाथ मंडल, जोगेंद्र नाथ मंडल लिखे, इन्हें विधि या कानून मंत्री बनाया गया, विधि या कानून मंत्री बनाया गया। नेक्स्ट, अब्दुल रब नस्तर, अब्दुल रब नस्तर, इन्हें संचार मंत्री बनाया गया, संचार मंत्री बनाया गया। नेक्स्ट, गजनफर अली खान, गजनफर अली खान, इन्हें स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया, बनाया गया। नेक्स्ट, आई आई चुंदरीगढ़, आई आई चुंदरीगढ़, चुंदरीगढ़, आई आई चुंदरीगढ़, इन्हें इन्हें वाणिज्य मंत्री, वाणिज्य मंत्री का प्रभार दिया गया, वाणिज्य मंत्री का प्रभार दिया गया, गया। ये है छात्रगण अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट, काम चलाओ सरकार भी इसे कहा जाता है छात्रगण, और उससे जुड़े हुए विविध तथ्य। क्या सवाल आएंगे छात्रगण, गौर कीजिएगा। अंतरिम सरकार का अर्थ क्या होता है छात्रगण, पहले इसको जानिए। अंतरिम का होता है छात्रगण काम चलाओ, जैसे इंटरिम बजट, अंतरिम बजट का नाम आपने सुना होगा। जब छात्रगण मान लीजिए फरवरी माह में वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करते हैं और फरवरी माह में ही चुनाव की घोषणा हो जाए, लोकसभा के चुनाव, तो ऐसे में छात्रगण वित्त मंत्री अंतरिम बजट प्रस्तुत करेंगे, काम चलाओ बजट प्रस्तुत करेंगे, इसे ही अंतरिम बजट कहा जाता है। यानी इंटरिम या अंतरिम शब्द का होता है काम चलाओ। छात्रगण अंग्रेजों ने भारत में भी आजादी के पहले 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया, इंटरिम गवर्नमेंट का गठन किया, काम चलाओ सरकार का गठन किया था। ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, पैनी निगाहें होनी चाहिए, एक एक चीजों का ध्यान देना होगा, एक एक चीजों को मनन करना होगा, एक एक चीजों को स्मरण करना होगा, एक एक चीजों को याद करना होगा। छठगन दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी होगी, मनन करना होगा, अध्ययन करना होगा और एक एक चीजों को स्मरण करना होगा, याद रखना होगा। छठगन दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी होगी, मनन करनी होगी, स्मरण करना होगा, याद रखना होगा और एक एक चीजों को गौर करना होगा, वो क्या है छात्रगण? वो ये है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार में अध्यक्ष
या प्रमुख कौन बनाए गए, तो भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल को अंतरिम सरकार का अध्यक्ष या प्रमुख बनाया गया था। छात्रगण ध्यान रखिएगा, अंतरिम सरकार में उपाध्यक्ष कौन थे? अंतरिम सरकार में उपाध्यक्ष के तौर पर जिसे शामिल किया गया था इस सरकार में, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। छात्रगण जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष तो बनाया ही गया, साथ ही साथ विदेश मंत्रालय और राष्ट्रमंडल से संबंधित मामलों को भी उन्हें दिया गया। विदेश मंत्रालय और राष्ट्रमंडल से संबंधित मामलों को भी उनको दिया गया था जवाहरलाल नेहरू को। इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी अध्ययन करना होगा, इसे भी याद रखना होगा, इसे भी गौर करना होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए पेंडिंग है, आपकी होनी चाहिए। छात्रगण ध्यान देंगे। छात्रगण दूसरी बात जो आपसे पूछी जाएगी उसे भी गौर कीजिएगा, उसे भी याद रखिएगा। पूछेगा अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का बिस्मार्क, देश के प्रथम गृह मंत्री, स्वतंत्र भारत के और प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। छात्रगण इन्हें जो विभाग दिया गया था वह गृह विभाग तो दिया ही गया था, साथ ही साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी दिया गया था। छात्रगण आजाद भारत के भी प्रथम मंत्रिमंडल में ये गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा उप प्रधानमंत्री थे स्वतंत्र भारत में भी, और यहां पर ये केवल गृह मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री थे। आजाद भारत के मंत्रिमंडल में ये क्या बन गए थे छात्रगण? ये बन गए थे प्रथम उप प्रधानमंत्री। ये अतिरिक्त कार्यभार उनको दिया गया था आजाद भारत के मंत्रिमंडल में। लेकिन अंतरिम सरकार में क्या क्या थे? ये एक तो ये होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे, और दूसरा कौन थे? सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। पूछेगा अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। अंतरिम सरकार में जो है श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। अंतिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो छात्रगण अंतिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति और संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष भी बने थे। छात्रगण ध्यान देंगे और मनन करेंगे और याद रखेंगे, एक चीजों को गौर करेंगे। छात्रगण छात्रगण अंतरिम सरकार में प्रारंभ में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई, उसने बॉयकॉट कर दिया। लेकिन छात्रगण 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे। पूछेगा मुस्लिम लीग के कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? 5 सदस्य शामिल हुए थे। मुस्लिम लीग ने प्रारंभ में अंतरिम सरकार के संबंध में क्या निर्णय लिया? नंबर 1, वह शामिल हो गई। नंबर 2, वह शामिल नहीं हुई। नंबर 3, उसने कोई निर्णय नहीं लिया। नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। छात्रगण वह शामिल नहीं हुई थी, ध्यान रखिएगा। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग ने कब शामिल होने पर सहमति दी थी? नंबर 1, 2 सितंबर 1946। नंबर 2, 15 अक्टूबर 1946। नंबर 3, 20 अक्टूबर 1946। नंबर 4, 26 अक्टूबर 1946। तो 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग शामिल होने के लिए तैयार हो गई थी। छात्रगण ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? छात्रगण मुस्लिम लीग के 5 है ना सदस्य शामिल हुए थे। पूछेगा मुस्लिम लीग की ओर से किसे अंतरिम सरकार में वित्त मंत्रालय दिया गया था? फाइनेंस मिनिस्ट्री। छात्रगण बहुत बड़ा मिनिस्ट्री होता है ये, लियाकत अली खान को दिया गया था, जो कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। छात्रगण पाकिस्तान के निर्माण के बाद प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर किसे बनाया गया था? लियाकत अली खान को बनाया गया था। ध्यान रखिएगा छात्रगण, यह भी अपने आप में बहुत ही हित क्वेश्चन है, यह भी जबरदस्त रूप से आता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में, इस पर भी पैनी निगाह रखनी होगी, इसे भी ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी याद रखना होगा, इसे भी गौर करना होगा। छात्रगण दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी होगी, आपको याद रखना होगा, आपको गौर करना होगा, आपको मनन करना होगा, आपको स्मरण करना होगा, आपको एक एक चीजों को ध्यान में रखना होगा। छात्रगण क्या सवाल आएंगे और क्या जवाब आपको देना है, किस तरीके से देना है और क्या जवाब देने की प्रक्रिया आपकी होगी, उसे गौर कीजिएगा। छात्रगण पूछेगा अंतरिम सरकार में विधि या कानून मंत्री किसे बनाया गया था? तो जोगेंद्र नाथ मंडल को बनाया गया था। रेल मंत्री किसे बनाया गया था? तो आशफ अली को बनाया गया था। इस तरीके से छात्रगण ये पूरा चार्ट आपको याद रख लेना है, चाहे वो अब्दुल रब नस्तर साहब हो, चाहे वो जोगेंद्र नाथ मंडल हो, चाहे वो सी एच भाभा हो, चाहे वो जॉन मथाई हो, है ना, चाहे वो आई आई चुंद्रीगर साहब हो, चाहे गजनफर अली खान हो, जितने भी नाम हैं
और इनके मंत्रालयों के नाम इसे याद रखिएगा छतगण, यूपीएससी में, जेपीएससी में, अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, है ना, और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन जबरदस्त रूप से पूछे जाते हैं। दे देगा अंतरिम सरकार में शामिल व्यक्तित्व, खंड क दे देगा, खंड ख दे देगा। खंड क में जो है छतगण नाम आपको दे दिए जाएंगे, है ना, और खंड ख में उनके विभाग के नाम दे दिए जाएंगे। अब बोले गंगा जमुना को मिलाइए तो छतगण जब तक आप नहीं जानिएगा तब तक इस तरह के क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, इसलिए आपको इसे जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप सारे मंत्रियों के विभाग के नाम नहीं जानेंगे, आप नहीं जानेंगे रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे, आप नहीं जानेंगे जो है उद्योग मंत्री जान मथाई थे, आप नहीं जानेंगे वित्त मंत्री लियाकत अली खान थे, आप नहीं जानेंगे विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे, आप नहीं जानेंगे कृषि मंत्री खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आप नहीं जानेंगे श्रम मंत्री जगजीवन राम थे, आप नहीं जानेंगे कि हमारे जो है शिक्षा मंत्री चक्रवर्ती राजगोपाल आजादी थे, तब तक क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। इसलिए छतगण इस पूरे चार्ट को रट जाइए और अपने WBC RBC में दौड़ा दीजिए, और पीछे जो सेरिब्रम है जहां मेमोरी चिप होता है वहां फेविक्विक से चिपका दीजिए छतगण। ये निश्चित तौर पर आपको पॉलिटिकल साइंस में भी काम आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री में भी काम आएगा, ध्यान देंगे छतगण, है ना। चलिए अगले टॉपिक का लिखेगा छतगण नाम, ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली की घोषणा। इटली, ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली की घोषणा, इटली की घोषणा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली की घोषणा, घोषणा। लिखिए 20 फरवरी 1947 को, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लेबर पार्टी या मजदूर दल, लेबर पार्टी या मजदूर दल या उदारवादी दल, लेबर पार्टी या मजदूर दल या उदारवादी दल के प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली, इनवाइट कॉमा अंडरलाइन में छतगण, इनवाइट कॉमा अंडरलाइन रखिएगा, क्लीमेंट इटली, इटली ने, क्लीमेंट इटली ने, ने, क्लीमेंट इटली ने यह घोषणा कर दी कि 30 जून 1948 तक, 30 जून 1948 तक भारत को रिहा कर दिया जाएगा, 30 जून 1948 तक भारत को रिहा कर दिया जाएगा, जाएगा। नेक्स्ट, इस घोषणा को इटली घोषणा, इस घोषणा को इटली घोषणा, घोषणा कहते हैं, इटली घोषणा कहते हैं। छतगण क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा, पूछेगा ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली किस पार्टी के थे, तो लेबर पार्टी के थे छतगण, मजदूर दल के थे, उदारवादी दल के थे, ये भारत का समर्थक दल माना जाता है छतगण। लेबर पार्टी की सरकार यदि इंग्लैंड में है तो भारत के समर्थक है, मजदूर दल की सरकार यदि इंग्लैंड में है तो भारत के समर्थक है, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी की छतगण सरकार है तो वह भारत के समर्थक नहीं है। जैसे विंस्टन चर्चिल कंजर्वेटिव पार्टी के थे, विंस्टन चर्चिल जिनके समय द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था, तो विंस्टन चर्चिल जो थे छतगण वो कंजर्वेटिव पार्टी के थे, अनुदारवादी दल के थे। इंग्लैंड में दो दल का शासन है छतगण, दो दलीय प्रणाली है, है ना, मुख्य रूप से अमेरिका में दो दलीय प्रणाली है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, ठीक उसी प्रकार से इंग्लैंड में भी दो दलीय प्रणाली है, कंजर्वेटिव
और लेबर पार्टी, है ना, लेबर या लिबरल भी कहा जाता है या मजदूर दल, है ना, तो ध्यान रखिएगा उदारवादी दल भी कहा जाता है। तो छतगन अनुदारवादी दल है कंजर्वेटिव पार्टी और उदारवादी दल है लेबर पार्टी। उदारवादी दल जो है वो भारत का समर्थक है, लेकिन अनुदारवादी जो दल है छतगन वो भारत का समर्थक नहीं है, ध्यान रखिएगा। छतगन क्लीमेन एटली जो कि लेबर पार्टी के थे प्रधानमंत्री इंग्लैंड के बने, और उन्होंने घोषणा कर दी कि 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की कि 30 जून 1948 तक भारत को रिहा कर दिया जाएगा। पूछेगा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक भारत को रिहा कर दिया जाएगा? ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेन एटली ने घोषणा की थी, कब की थी छतगन? यह घोषणा उन्होंने 20 फरवरी 1947 को की थी। 20 फरवरी 1947 को उन्होंने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक भारत को रिहा कर दिया जाएगा। छतगन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, पैनी निगाहें आपकी होनी चाहिए, एक एक चीजों को ध्यान देना होगा, एक एक चीजों को गौर करना होगा, एक एक चीजों का स्मरण करना होगा, एक एक चीजों को आपको याद रखना होगा। बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, पैनी निगाहें आपको रखनी होगी छतगन। छतगन दूसरी बात जो आपको जानना होगा, आपको मनन करना होगा, आपको स्मरण करना होगा, आपको याद रखना होगा, आपको गौर करना होगा। छतगन क्लीमेंट एटली ही वही व्यक्ति हैं जो कि भारत को जब आजादी मिली थी तो भारत के प्रधानमंत्री इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। छतगन जब भारत को आजादी मिली थी उस समय भी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। किस पार्टी के थे? लेबर पार्टी के थे। यह क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, इसे भी लिख ले छतगन। लिखिए, जब भारत को आजादी मिली थी, जब भारत को आजादी मिली थी उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, तथा इंग्लैंड में उस समय लेबर पार्टी या मजदूर दल की सरकार थी। छतगन बहुत ही हिट क्वेश्चन है। जब भारत को आजादी मिली थी उस समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी या मजदूर दल की सरकार थी। जब भारत को आजादी मिली थी उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। किस पार्टी के थे? लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी या मजदूर दल के थे। यह भी छतगन आपको ध्यान रखना होगा, बहुत बहुत हिट क्वेश्चन है ये भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, इसलिए इस पर भी आपको पैनी निगाहें रखनी होगी, इसे भी ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी छतगन आपको याद रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हेडिंग बनेगा छतगन अपने नोट्स कॉपी में, माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना, माउंट बेटन योजना। लिखिए, इसे 1947 का, इसे 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इसे 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को, को 3 जून 1947 को इसे 3 जून 1947 को
भारत के वायसराय लॉर्ड माउंट बेटन ने प्रस्तुत किया था। लॉर्ड माउंट बेटन ने प्रस्तुत किया था प्रस्तुत किया था लॉर्ड माउंट बेटन ने प्रस्तुत किया था नेक्स्ट तीर्घनिशन लॉर्ड माउंटबेटन की यह योजना बाल्कन प्लान या इनवर्ट कमांड अंडरलाइन मन बाटन योजना के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट माउंटबेटन योजना चार जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई तथा 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने इसे 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने इसे संसद से पारित कर दिया। नेक्स्ट तीर्थनिशान छतगन लिखे इस योजना की मुख्य बातें निम्न थी। नंबर एक, भारत और पाकिस्तान नामक दो नए राष्ट्रों का निर्माण। नेक्स्ट नंबर दो, दोनों राष्ट्रों में एक एक गवर्नर जनरल के पद का सृजन दोनों राष्ट्रों में एक एक गवर्नर जनरल के पद का सृजन नंबर तीन, इस माउंटबेटन योजना में 20 धाराएं थी
धाराएं थी। नेक्स्ट, 14 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान को आजादी दी गई नेक्स्ट, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान, एवं प्रथम गवर्नर जनरल, जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बनाए गए, जिन्हें पाकिस्तान का राष्ट्रपिता, भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट, तिरकंशर, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बनाए गए, नेक्स्ट, लाल किले के प्राचीर से, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, स्वतंत्रता के अवसर पर, दिया गया भाषण, द ट्रूथ ऑफ डेस्टिनी, इनवर्ट कॉमा अंडरलाइन, द ट्रूथ ऑफ डेस्टिनी कहलाता है, नेक्स्ट, हेडिंग बनाएंगे छतगन, गांधी जी की हत्या, देखिए 30 जून 1948 को, 30 जून 1948 को दिल्ली के बिरला हाउस में, नाथूराम गोडसे, द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई, महात्मा गांधी पर नाथूराम गोडसे ने यह आरोप लगाया था कि, उन्होंने
पाकिस्तान को भारत सरकार से 56 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दिलवाई थी। मदद दिलवाई थी। नेक्स्ट त्रिकंशन, नाथूराम गोडसे को हरियाणा के अंबाला जेल में जेल में फांसी दे दी गई नेक्स्ट, महात्मा गांधी का समाधि स्थल दिल्ली के राजघाट में स्थित है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का यह विचार था कि भारत का विभाजन उनकी लाश पर होगा, परंतु भारत में सांप्रदायिक दंगों को देखते हुए एवं हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की भावना को देखते हुए उन्होंने विभाजन को स्वीकार कर लिया नेक्स्ट, गांधी जी के चार पुत्र थे गांधी जी के चार पुत्र थे नंबर एक रामलाल नंबर दो देवदास नंबर तीन हरिलाल नंबर चार रामदास देवदास हरिलाल छतगन महात्मा गांधी के पुत्रों से
सवाल इन दिनों प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसे ध्यान रखना होगा। ध्यान देंगे छात्रगण, रामलाल, हरिलाल, देवदास और मनीलाल, मनीलाल ये है छात्रगण गांधी जी के चार पुत्र जिनसे प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। छात्रगण इन पर भी आपको पैनी निगाहें रखनी होगी, इन्हें भी ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा और इसे भी छात्रगण आपको याद रखना होगा। तो ये है छात्रगण एक बहुत बड़े अध्याय गांधी युग का समापन, जिसे आपको ध्यान रखना होगा और एक एक चीजों को छात्रगण गौर करना होगा कि कौन पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे, मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, है ना छात्रगण ध्यान दीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाल किले के प्राचीर से दिया गया भाषण क्या कहलाता है, द ट्रूथ ऑफ डेस्टिनी, क्या कहते हैं छात्रगण इसे, द ट्रूथ ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है छात्रगण। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई, 30 जनवरी 1948 को, कहां पर, दिल्ली के बिरला हाउस में संध्याकालीन प्रार्थना के लिए जा रहे थे। नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी थी और नाथूराम गोडसे का यह आरोप था कि महात्मा गांधी ने भारत सरकार से पाकिस्तान को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई थी, इसी बात से वो नाराज था और उसने हत्या कर दी। नाथूराम गोडसे को कहां पर फांसी हुई थी छात्रगण, तो हरियाणा के अंबाला जेल में उसे फांसी दी गई थी। अंबाला जेल को भी आपको छात्रगण याद रखना है, ये क्वेश्चन भी छात्रगण पूछा जा चुका है, इसे भी गौर कीजिएगा। गांधी जी के चार पुत्र थे, चारों पुत्रों के नाम को भी छात्रगण आपको ध्यान रखना होगा। गांधी जी को जो मिलने वाली उपाधियां थी वो सारा कुछ मैंने आपको लिखा दिया है, इसलिए गांधी जी से जुड़े हुए हर पहलू को छात्रगण याद रखिए, ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगले क्लास में छात्रगण हम लोग एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय कांग्रेस की ओर प्रवेश करेंगे, जो कि अपने आप में प्रतियोगिता परीक्षाओं का बहुत ही हिट है, इसलिए छात्रगण गांधी युग के जितने भी महत्वपूर्ण पहलू मैंने आपको लिखाए हैं वो सब आपके लिए परीक्षा उपयोगी, बेशकीमती, मील का पत्थर और संजीवनी बूटी की तरह कार्य करेंगे, इसे आपको ध्यान रखना छात्रगण। तो फिर पुनः मुलाकात होगी इसी जोशो खरोश, इसी ऊर्जा के साथ, इसी सकारात्मक सोच के साथ, और हम लोग पढ़ेंगे भारत का स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय कांग्रेस की ओर हम लोगों का प्रवेश होगा छात्रगण। तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद।